हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और मेरा संडे वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा यानी अगर नहीं देखा तो अभी जाकर देखें। दो पार्ट में मैंने अपने ब्लॉग को अपलोड किया है। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा, हिट द बेल आइकन। तो जी बने रहिएगा मेरे साथ, देखते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सुबह से मैंने अपनी वीडियो का आगाज़ नहीं किया था, आधा दिन गुजर चुका है, अनाबे स्कूल से आ चुकी है, उसके बाद से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। तो बस अब देखते हैं हमने क्या क्या करना है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। छुपा छुपा कहाँ कह ली बाबा, खा लो ठीक है। ओके फिनिश करो जल्दी। क्या चल रहा है जी यहाँ पर? यहाँ पर कोई तैयार हो रही है। हाँ कोई तैयार हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर इधर देखिएगा जरा, मुझे क्या हुआ? कब फ्रेश होगी तुम? गंदी संदी हो रही हो। When will you get fresh? चलो आ जाओ, छोड़ो अभी मैं तुम लोगों को ये लगा के दे रही हूँ, कार्टून देखो तुम लोग बैठ के। मैं मंकी वाला कार्टून कोई सा भी लगा दे रही हूँ, अब वो सब जो मीडअप देखना चाह रही है वो वाला, ठीक है? चार्ज से कोई प्लग नहीं निकालना, ना ही इसकी पिन निकालना, वरना लैपटॉप ऑफ हो जाएगा। चार्ज नहीं है इसमें। ओके तो जी काम धाम हो गए हैं और अभी मैं बच्चों को लगा के दे रही हूँ कार्टून, ठीक है, ताकि ये मुझे ना तंग नहीं करें। तो जी हम आए हुए थे अम्मी के घर, क्योंकि हमने जाना है आज एक शादी में। आप लोग भी कह रहे होंगे मैं रोज़ रोज़ कैसे अम्मी के घर आ जाती हूँ। हमने जाना है शादी में, तो हम लोग सब लोग मिलकर, यहाँ सारे ससुराल वाले हम लोग सब मिलकर जा रहे हैं शादी में। तो फिर शादी से आकर हम देखते हैं क्या करेंगे। सब रेडी हो गए थे, हम वेट कर रहे थे ताकि अब्बू आ जाते। अब्बू गए हुए थे बाहर, तो वो आ जाते तो फिर हम शादी में चलते। यहाँ पर मेरे मियाँ जी अपने बच्चों की जो है पीछे पड़े। देखो तुम बैठ जा, तुम बैठ जा। हाँ हाँ सही सही सही, बाबा की पोस्ट चल रहे दादी पोती के साथ। किन्नी वाली लग ली मेरी, अरे वाह। और अब हम अपने वेन्यू पर पहुंच चुके थे जहां पर हमने जाना था शादी में। यहां सारे लोग हमारी फैमिली के बैठे हुए हैं और इतना क्राउड था इस वेडिंग में। और ये जो अनाबिया के एक चाचू हैं जैद चाचू, ये मेरे बच्चों को हर शादी में, किसी की भी शादी होने, ये बच्चों को एंजॉय करवाता है, पूरे हॉल में घुमाता है, बाहर लेकर जाता है, बच्चों को बलून भी दिलाता है, मतलब मेरे बच्चे इसके साथ ही। क्या हो गया दादी के हाथ में? मीरा पूछो जल्दी से क्या करना है, जल्दी से पूछो। इनकी दादी का हाथ शादी से अगर चूड़ी उतारते हुए कट गया था, तो फिर वो ही चल रहा है यहाँ पर। बोल दो ठीक हो जाएगा। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं शादी से। आज हम गए थे शादी और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा हम लोगों का जो है वेडिंग सीजन में गुजर गया। मतलब किसी न किसी की शादी आ रही थी, मतलब रिलेटिव्स थे, दूरी दूरी लेकिन थे, फैमिली फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं। तो खैर तीन चार शादियां इस मंथ हमने जो है वो की हैं अटेंड। तो जी इस वजह से थोड़ा हम बार बार अम्मी की तरफ भी चले जा रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों के साथ शादी में भी जाना था और फिर ऐसे गेट टुगेदर भी हो जाता है। तो खैर आज का जो वेडिंग था वो हमने बखूबी निभा लिया, यहीं से गए थे। तो जी थोड़ा सा टाइम लग गया हमें और अब रात के 1:30 बज चुके हैं और मेरे बच्चे बहुत नींद में हैं, लेकिन ये जो मीरा है ना उसके ऊपर दर्द नहीं ख़त्म होते। तो खैर आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर अपना एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और हिट द बेल आइकन प्लीज़, और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो आज का दिन मेरा यहाँ पर एंड होता है। यहाँ की आज के दिन ये मैंने बहुत थोड़ी सी क्लिप ही शूट की थी, मतलब जिस टाइम पर हम जाने लगे थे उस वक्त से ही। तो जी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।